यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिना के मंगलवारी स्थित मेहंदीबाग कॉलोनी के पास एक केमिकल कारखाने में आग लगना शुरू हुई थी। इस केमिकल के कारखाने के बगल में ही लकड़ी का कारखाना है, जहां पर बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी रखी हुई थी। इस कारखाने में आग पहुंचते ही इसने बगल में सटे 5 से 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग और उसमें वो एक इंडस्ट्रीज करके है, तो इसीलिए हमने तुरंत कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ बुलाए हैं। फर्स्ट टाइम हमारी सुगत नगर फायर स्टेशन की गाड़ी है, वाघमारे साहब वहीं पे स्टेशन ऑफिसर है, उन्होंने उनके साथ स्टेशन के एम्प्लॉई को साथ में लाए और जब आए, जब फायर फाइटिंग उन्होंने चालू किया तो तब उन्होंने बताया कि मेजर फायर है, बहुत सारे गाड़ियाँ होना करके। तो उस पीरियड में हमने 4 से 5 स्टेशन की कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ हमने बुलाए, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट कंटिन्यू चालू है और फायर भी बुझ अपना कंट्रोल में है, पूरी तरह से बुझने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा और हम जब तक बुझेंगे नहीं तब तक हम कंटिन्यू रहेंगे। जान हानि नहीं, अभी जान किसी की भी नहीं गई है, लेकिन जो कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, हम फायर बुझने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कितना लॉस हुआ है, प्लस वो कैसी लगी है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी हम देखेंगे आग बुझने के बाद। और बड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया।